प्रकार स्थान हो। कई बार मुझे आने का अवसर मिला रामानुसार बाबा ने अचानक बेंगलोर का प्रोग्राम बनवा दिया, पद्म देवी का स्मृति दिन है और इसी स्मृति दिन के निमित्त जयपुर में जो भट्टी टीचर्स के लिए रखी गई है, समझता हूँ 150 टीचर्स सभी पूरे जोन की आई है, सब जोन की। तो अचानक ही मेरे को फोन आया कि आप एक ग्रुप कोई भी ग्रुप में आ जाओ, कुमारों का ग्रुप, माताओं का ग्रुप, टीचर्स का ग्रुप, तीन चार ग्रुप में वहाँ भट्टियाँ चल रही थी। तो हमने कहा एक दो भट्टियों में ऑनलाइन क्लास कराऊंगा, लेकिन पद्मा दीदी को 2 साल हुए कोरोना में, इस समय गई थी 17 मई को। तो उस निमित्त विशेष संकल्प था कि एक बार जाना चाहिए, तो इसी निमित्त आया। 14 तारीख को आया, 15-16 दो दिन की भट्टी हुई। टिकट 18 तारीख वापसी का था, लेकिन हमारी बेंगलोर की बेबीपुरम सब जून की अंबिका बहन मधुबन में थी, उनको पता चल गया कि राजू भाई बेंगलोर आ रहे हैं, उन्होंने मेरा टिकट ही चेक करा दिया। 2 दिन उनको भी देना पड़ा, तो 18 की बजाय अभी मैं 20 को जाऊंगा वापस। और आज के दिन मधुबन से, दिल्ली से हमारी आशा दीदी भी आई है, इसी निमित्त पद्मा दीदी के निमित्त ही आई है, तो जयपुर में है। तो हमने कहा यहाँ पर आशा दीदी क्लास कराती हैं, तो मैं कुमारा पार्क में क्लास करा के आती हूँ। सरोजा बहन ने कहा कि नहीं, कुमारा पार्क में नहीं, आप संजय नगर में क्लास करा के आ जाओ। हमने कहा संजय नगर बहुत लाडला है, दादी के पहले भी मैं एक बार आया था, इसी रिश्त को थोड़ा चेंज किया, पहला जो मकान था उसमें मैं आया था, याद हो शायद बहुत पहले आया था। वो जब आया था तब ऐसा लगा मुझे, आज एक संकल्प सुनो, हमने कहा लगता है लॉकडाउन में हमारे भाई बहने भी लाख हो गए हैं। वो इतना भरा हुआ क्लास था, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी जब मैं पिछली बार आया था, और सब पट में बैठे हुए थे। वैसे कल शाम को हमको कंफर्म हुआ। अच्छा, इसलिए सूचना नहीं दिया। सूचना दे, वैसे 18 तारीख को अनाउंस हुआ था, लेकिन कल दिन में चेंज हुआ ना प्रोग्राम, इसलिए। हाँ, क्योंकि 18 तारीख अभी अंबिका बहन के पास जाएंगे, तो उनके पास 400 टीचर्स, उनकी भट्टी का उद्घाटन आज शाम को करना है, तो वो तो छोड़ेंगे नहीं, इसलिए मैंने कहा इधर ही आज 17 तारीख में फिलिम। मैं सरोजा बहन को कॉल किया था हुबली में जब थी कि अगर आपको 17 तारीख रखना है तो रख सकते हो, बोली शाम को रखें, शाम को भी वहाँ पर टीचर्स की भट्टी का उद्घाटन है, इसलिए सवेरे सवेरे जो आ गए अच्छे, इसलिए आप सब पहुँच गए और बहुत लगन से बाबा की मुरली, अभी तो सुनी नहीं होगी, सुना दिया नहीं सुनाई, बाबा की मुरली सुनने के लिए बाबा के बच्चे भाग भाग के आते हैं, और बाबा एक ही मुरली में कितना सुंदर अनेकानेक पॉइंट्स दे करके बच्चों का सरकार कर देते हैं। बाबा की मुरली की 3-4 बातें आपको सुना देता हूँ, क्योंकि बाबा हम बच्चों के लिए बहुत बड़ी गिफ्ट लेकर के आते हैं। तो आज बाबा ने कहा है मैं बच्चों के लिए जागीर लेकर के आता हूँ, इतना बड़ा वर्षा, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बच्चों को देता हूँ, लेकिन बंडर है जो मैं देने आया हूँ, बच्चे लेने नहीं आते, इसलिए बाबा को बहुत वंडर लगता है कि बाप बच्चों को 21 जन्मों की जागीर देने के लिए आता है, सदियों की बादशाही देने के लिए आता है, लेकिन बच्चों के पास समय नहीं जागीर लेने का। तो आज बाबा ने बहुत वंडर खाया है कि बाबा को भी वंडर लगता है। दूसरा बाबा ने कहा जब बाबा ने इतना बड़ा यज्ञ रचा है,
ब्राह्मणों को यज्ञ की बहुत सेवा करने वालों को दक्षिणा मिलती है, दक्षिणा देते हैं ब्राह्मण जो यज्ञ को संभालते हैं उनको दक्षिणा मिलती है। दक्षिणा की एक बहुत रस्म भारत के अंदर चली है, बिना दक्षिणा दिए हुए ब्राह्मणों को खुशी नहीं होती, दुआएं नहीं मिलती है, दक्षिणा देनी पड़ती है सबको। भक्ति मार्ग के अंदर मुझे एक दृश्य याद आता है कि एक बार हमारे मधुबन में संत सम्मेलन रखा गया और हरिद्वार बनारस कई स्थानों के संत मधुबन में आए, करीब 100 के ऊपर थे, मंडलेश्वर थे बड़े बड़े, तो उनके भोजन की व्यवस्था, उनके सौगात की सब व्यवस्था सब अलग प्रकार की थी, क्योंकि वो लोग अपने आश्रमों में कैसे भी रहते हों लेकिन जब बाहर जाते हैं तो बड़े ठाट बाट होते हैं। तो हमारे पास जब आए तो उन्होंने कहा कि वो सब पट में ही भोजन करेंगे, भंडारे में भोजन बनाने वाले भी कोई चप्पल वगैरह नहीं पहनेंगे, और यहाँ तो सब पहन करके बना देते हैं, भले अलग चप्पल जूते हो लेकिन पहनते तो सब हैं, बिना पहने नहीं बनाते, और पट्टा पाटा पर नीचे बैठेंगे आगे पाटा होगा और सब कुछ देसी घी का बनेगा, जैसे घर का ही खाते हैं ये महान मंडलेश्वर। दादी ने उनके लिए सब प्रकार की व्यवस्था कराई, भोजन की व्यवस्था कराई, सौगात के लिए कंबल रखे। तो वहाँ की दीदी कहती है आप सौगात दो, खूब अच्छा भोजन खिलाओ, सब कुछ करो, लेकिन दक्षिणा तो इनको देनी पड़ेगी। तो दादी ने कहा दक्षिणा हम नहीं दे सकते क्योंकि ये दान का पैसा हम दान नहीं कर सकते। तो वो कहने लगी ये सब नाराज हो जाएंगे, दक्षिणा देनी पड़ेगी, ब्राह्मण संत सन्यासी हैं इनको दक्षिणा के बिना खुशी नहीं होती, भले लिफाफे में 100 रुपया भी हो इन्हें दक्षिणा जरूर देनी पड़ती है। तो दादी सोचने लगी अभी करना क्या है, यज्ञ से तो हम दक्षिणा नहीं देते किसी को। फिर एक भाई आबों में थे, उनको कहा अपनी तरफ से जब दादी सौगात देगी तुम दक्षिणा दे देना, खुश हो जाएंगे, दुआएँ देंगे। तो दक्षिणा की प्रथा शायद भक्ति मार्ग में बहुत ज़्यादा है। तो आज बाबा ने कहा कि मैं बच्चों को, जो मेरे बच्चे बहुत प्यार से यज्ञ की संभाल करते हैं और श्रीमत पर चलते हैं उनको मैं बहुत बड़ी दक्षिणा देता हूँ। मिली दक्षिणा? नहीं मिली है, लिया बाबा से दक्षिणा। तो बाबा हम बच्चों को दक्षिणा में क्या देता है, बाबा कहता है जो बाबा का वही आपका, ये दक्षिणा है सब। तो बाबा के पास जो शक्तियाँ हैं, जो गुण हैं, जो खजाने हैं, अविनाशी हैं, तो बाबा अपने बच्चों को दक्षिणा के रूप में, सौगात के रूप में, जागीर के रूप में सब कुछ दे देता है। तो बाबा ने इतना सुंदर बहत का यज्ञ रचा है, बड़ा यज्ञ है मधुबन और छोटे छोटे यज्ञ हैं सेंटर्स, और यज्ञ की संभाल करने के लिए ब्राह्मण निमित्त है, यज्ञ में डिग्री चढ़ते हैं, भोजन बनता रहता है और स्वाहा स्वाहा ब्राह्मण लोग सबकी तेल जौ का स्वाहा करते आहुति लेते रहते। तो आप सबने आहुति तो डाल दिया ना यज्ञ में, कि लगे है कुछ नहीं, कोई आहुति रह गई है डालने की, डालिए भाई उन्हें आहुति क्या डाली है। भक्ति में तो तेल जौ घी सब आहुति डालते हैं, स्वाहा करके डाल देते हैं, बची हुई आहुति फिर लास्ट में इकट्ठा डाल देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे पास जो भी तेल जौ के रूप में कमी है, कमजोरी है, संस्कार है, उन सब की आहुति दे दो, स्वाहा कर दो एक साथ ही, और जब तुम स्वाहा करोगे ना तब ये विश्व परिवर्तन हो जाएगा। बाबा ने यज्ञ रचा है, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है और इसमें अग्नि है, लगन की आग है, वो स्थूल अग्नि नहीं है लेकिन लगन की अग्नि है, और इस लगन की अग्नि में हम सबको अपनी कमी कमजोरी संस्कार पुरानी आदतें जो कुछ है स्वाहा कर देंगे, और जब वो स्वाहा करेंगे तो आहा हो जाएगा, सब चुप आ जाएगा। इसलिए यज्ञ की बहुत बड़ी विशेषता होती है, एक होते हैं यज्ञ सनेही बच्चे, एक होते हैं सहयोगी, सनेही होते हैं और सहयोगी बन जाते हैं,
और सहयोगी बनते बनते वो योगी भी बन जाते हैं, और एक होते यज्ञ को संभालने वाले यज्ञ रक्षक। और बाबा की यज्ञ रक्षक बन करके रहना है, संभाल करनी है, तो उसके लिए इसे रक्षा को स्थूल रूप में जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा इसका रक्षक है। स्थूल में तो बाबा संभाल रहा है बच्चों को, लेकिन कोई नेगेटिव वाइब्रेशन भी इसमें प्रवेश न कर सकता। यज्ञ के अंदर आश्रय वृत्ति वाली आत्माएं, नेगेटिव वृत्ति वाली आत्माएं प्रवेश न कर सके, किसी के बाहर के नेगेटिव वाइब्रेशन इसमें प्रवेश न कर सके, और साथ साथ इस वायुमंडल में जो भटकती हुई आत्माएं वो भी प्रवेश न कर सके, क्योंकि कई जगह पर उसके अटैक होते हैं, वार होते हैं। इसलिए बाबा कहता है यज्ञ रक्षक बच्चे केवल यज्ञ रक्षा के लिए अच्छी तपस्या करें। अगर अच्छा योग है, बहुत शक्तिशाली योग है, तो योग एक बहुत बड़ा किला बनता है, लाइट का किला कहते हैं उसको, क्योंकि अच्छे वाइब्रेशन, पवित्र वाइब्रेशन एक सुंदर पूरा तैयार करते हैं, आभा मंडल तैयार करते हैं। जो योगी आत्माएं होती हैं बहुत शुद्ध पवित्र विचारों में रमण करती हैं, उनके चारों ओर एक पवित्रता का पूरा बनता जाता है, दिखाई देने लगता, अनुभव होने लगता है। और आजकल साइंस ने ऐसे कैमरे भी तैयार कर लिए हैं जो उनसे उनकी बोली का पता चलता है। एक बार हमारी एक रिसर्च चल रही थी, हमारी आपको पता है पहले पहले शुरू किया था, उस समय आप नहीं आई थी, लेकिन एक हमारी सुनीता पांडे पंतनगर की, उन्होंने एक साइंटिस्ट भेजा कैमरा देकर के कि आप जाओ, जो योग करते हैं गेहूँ के ऊपर, हमको योग करने के लिए दिए थे गेहूँ उन्होंने पंतनगर यूनिवर्सिटी से, कि आप योग करके हमको 2-3 किलो गेहूँ भेजे थे वहाँ से, योग करके भेजो 3 दिन 5 दिन 7 दिन। और जो योग करने वाले हैं उसका ओरा क्या है उसके फोटोग्राफ चाहिए हमको। तो वहाँ के फोटोग्राफर्स आए थे ऐसा कैमरा लेकर के, बाबा के कमरे में वो बीज रखे थे और योग करते थे, उनके ओरा को नाप रहे थे। तो आजकल ये साइंस ने शायद ऐसे कैमरे तैयार कर लिए हैं जो हमारे विचारों से तरंगे निकलते हैं वही ओरा है, शुद्ध संकल्पों से, पवित्र संकल्पों से जो हमारे वाइब्रेशन फैलते हैं एक पवित्र आभा मंडल बनता है। तो बाबा हम बच्चों से यही चाहता है कि जहाँ पर मेरे बच्चे रहते हैं, केवल सेवा केंद्र नहीं, मधुबन नहीं, लेकिन आपके घरों पर भी ये आभा मंडल, पवित्रता का आभा मंडल, शुद्ध विचारों का आभा मंडल, योग का आभा मंडल ऐसा हो जो कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी अंदर प्रवेश न कर सके। आज हम घरों में रहते हैं, वहाँ का वायुमंडल अलग होता है, विचारधाराएं अलग अलग होती हैं, और कहीं ना कहीं जब योग लगाने बैठो तो मन के अंदर डिस्टर्बेंस आती है, योग लगता ही नहीं कि योग। अभी इस अच्छे वायुमंडल में क्यों हम आमंत्रित करते हैं, अभी लॉकडाउन में भले मना किया गया लेकिन अभी तक भी कई बच्चे आलसी हो गए, आदत बन गई ऑनलाइन सुनने की, कहेंगे हम तो मधुबन की मुरली डायरेक्ट सुन रहे हैं, आज भी जूम में जा रहे हैं, हम तो वारसी की मुरली सुन रहे हैं, हम पुरानी जगह की मुरली सुन रहे हैं। मुरली सुनना अलग बात है, क्लास कराना, हम भी एक जगह बैठे सारी दुनिया में क्लास कराते रहते हैं, लेकिन एक सन्मुख आकर के बाबा के घर के उस पवित्र आभा मंडल में आकर के जो शक्ति मिलती है, जो आत्मा चार्ज होती है, वो तो घरों में नहीं हो सकती। मुरली सुन लेना अलग चीज है, लेकिन एक सुंदर जो योग का, पवित्रता का ओरा बनता है, तो कितनी सब जो भी आत्माएं आती हैं यहाँ, मैं समझता हूँ कोई नेगेटिव चर्चा नहीं होती, कोई संसार समाचार नहीं है, कोई इधर उधर की व्यर्थ बातें नहीं है, तो व्यर्थ है ही नहीं तो उस स्थान पर अपने आप को चार्ज हो जाता है स्थान। इसलिए हरेक ब्राह्मण बच्चे के लिए कंपल्सरी बाबा ने नियम बनाया कि कम से कम सवेरे नहीं आ सकते हो तो दिन में आप शाम को एक बार बाबा के घर में जरूर आओ, चार्ज करके अपने आप को जाओ, अपनी शक्तियों को चार्ज करो, बाबा के कमरे में बैठ करके मुरली सुना, कुछ योग किया, पढ़ लिया, अगर नहीं सुनाने वाला है कोई तो खुद पढ़ लिया,
तो एक अच्छे वातावरण से आत्मा की जो अंदर की नेगेटिविटी है, कमजोरियां हैं, व्यर्थ है, वो समाप्त हो जाता है। इसलिए नियम अनुसार हर एक बाबा के बच्चे स्टूडेंट लाइफ का आनंद जरूर लेना चाहिए। और स्टूडेंट लाइफ घरों में नहीं रहती। मैंने जब क्लासेस कराता था तो कहते थे कैमरे से एक बार दिखाओ तो कौन कौन सुन रहा है। लोग बिस्तर पर लेटे लेटे सुन रहे हैं, स्नान ही नहीं किया है सुन रहे हैं, दिखाई देता है, बाल बिखरे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, ड्रेस नाइट ड्रेस पहनी हुई है, ये मुरली सुन रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ है क्या? अपने घरों में रहते रहते अलबेलापन आ गया, आलसी हो गए। कई तो अच्छे थे, बहुत अलर्ट होकर के नियम पालन करते थे, विधि पूर्वक स्नान वगैरह तैयार होकर के मुरली सुनना, ये भगवानों वाच्य है। कहता मैं इतनी बड़ी जागीर देने आया हूँ और जागीर लेने वाले अगर आलसी हैं, अलबेले हैं, आधी नींद में हैं, तो उनको क्या प्राप्ति होगी। इसलिए बहुत ध्यान देना कि हम सब ऐसा योग का किला बनाए, अपने स्थानों पर भी बना सकते हैं, लेकिन अगर सभी पॉजिटिव हैं तो एक भी नेगेटिव होता है घर में, 5-7-10 सदस्य अगर एक परिवार में रहते हैं, बच्चों की मत अलग है, पत्नी की अलग है, पति की अलग है, तो वो एक वातावरण पॉजिटिव नहीं तैयार होता। अच्छा वातावरण तभी तैयार होता है जब सबके एक ही तरह के तरंगे हों, विचार। इसलिए मधुबन का वातावरण क्यों सबको खींचता है? आज कोई भी चला जाए, ज्ञानी अज्ञानी, पांडव भवन में अगर प्रवेश करता है तो प्रवेश होते ही उसको लगता है कि यहाँ कुछ बहुत अलग प्रकार का वातावरण, क्योंकि बाबा ने जहाँ तपस्या की है, मम्मा ने की है, दादियों ने की है, बड़ों ने की है, तो उस तपस्या से जो तरंगे बनी, जो वातावरण बना, उस वातावरण का अभी तक भी प्रभाव है। प्रवेश होते ही वो शांति की, पवित्रता की, वो शुद्ध संकल्पों की शक्ति का अनुभव होता है। व्यक्ति के विचार चेंज हो जाते हैं। जो हम अपने विचारों को शुद्ध बनाने के लिए, संस्कारों को पॉजिटिव बनाने के लिए मेहनत करते हैं, ऐसे स्थान पर जाते ही वो सब परिवर्तन हो जाते हैं, मेहनत खत्म हो जाती है। और बाबा कई बार कहते हैं मैं बच्चों की मेहनत नहीं देख सकता। बहुत बच्चों ने मेहनत की है, भक्ति काल के अंदर कितनी मेहनत की है, कितना पैसा गवाया है। आज भी बाबा ने कहा तुम्हारी ये यात्रा है, और यात्रा कैसे कर रहे हो बिना खर्चे के, एक स्थान पर बैठे हुए यात्रा कर रहे हो, और वो यात्रा पर जाते हैं तो खर्चा मेहनत इतनी तकलीफें लेते हैं। एक बार मेरे को ऐसे ही मीटिंग में गया था, कहते चलो वैष्णो देवी की यात्रा करके आते, हमारे भाई बहन को मंगा गया, चलो हम भी चलते हैं। अब वैष्णो देवी की यात्रा के लिए नीचे से सीढ़ी ऊपर तक घूमने का मैं तो नहीं चढ़ सकता, उन्होंने कहा मैं नहीं चढ़ सकता, क्या किया जाए? तो बोला हेलीकॉप्टर। अब हेलीकॉप्टर से एक स्थान से उड़ा, दूसरे स्थान उतार दिया। अब हेलीकॉप्टर से वैष्णो देवी जाने के लिए भी बहुत सारा रास्ता लंबा था, उसके लिए वो जो खच्चर चलते हैं घोड़े चलते हैं उस पर बैठो, बड़ी मुश्किल से लेकर के वहाँ तक पहुँचे। और यात्रियों को देखा क्या मेहनत करते, पसीने में लबालब भरे हुए, नीचे से जय वैष्णो देवी जय वैष्णो देवी करते हुए आ रहे हैं, उनको थकावट नहीं लगती, भावना भी चाहिए ना, उनकी भावना, और उस भावना के आधार से नीचे से ऊपर चढ़ के कितने घंटे, 5-6 घंटे तो मैं समझता हूँ लगता होगा नीचे से ऊपर तक पैदल सीढ़ियाँ चढ़ कर आते हैं, यात्रा पर कितनी मेहनत करते हैं। और लाइन में जब जाते हैं तो बेचारों को धक्का ही मिलता है, देवी के आगे तो कोई वैष्णो देवी के आगे तो खड़ा भी नहीं होने देता, और है क्या 3 छोटी-छोटी मूर्तियाँ रखी हैं, ताज ही रखा, मूर्ति भी नहीं है, ऊपर छत्र है सोने का और नीचे थे थोड़ा सा एक सिंबल जैसा बना के रखा। जब मैं गया हमने कहा दादी, दादी को याद किया, आप तो वैष्णो माँ हो, वैष्णो देवी हो, जो संपूर्ण पवित्र है संगम ऊपर वो वैष्णो है ना, हम क्या है वैष्णो बन रहे हैं, जिसको कोई टच भी न कर सके, अपवित्रता का संकल्प भी न टच कर सके, वो सच्चा वैष्णो है। तो ऐसी वैष्णो देवियाँ बन गई संगम की, भविष्य की थोड़ी है संगम की है, उन्होंने इतनी दृढ़ता के साथ पवित्रता को धारण किया, पालन किया, वो वैष्णो देवी के रूप में अनुभव करा रहे हैं, साक्षात्कार करा रहे हैं, हर एक की मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं, भक्त उनके दर्शन करके प्रसन्न हो रहे हैं। और दर्शन क्या, एक मिनट मैंने देखा जो आ रहे हैं उनको तो धक्का ही लग रहा था, हम लोगों को तो देखा, उन्होंने कोई अलग लोग हैं
तो ऐसे खींच करके अलग खड़ा किया कि आप इधर खड़े हो जाओ, इनके हम बताते हैं क्या है। पुजारियों ने बड़े प्यार से दिखाया, बताया वैष्णो देवी कौन है, पुरानी कौन है, तीन तीन देवियों के नाम अलग अलग बताए। कहने का मेरा भाव है कि भक्ति के अंदर यात्राओं पर लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितने धक्के खाते हैं, एक दो सेकंड के दर्शन के लिए भी इतने प्रयास करते हैं, और हम तो उसकी दृष्टि में पड़ रहे हैं, उसकी गोदी में पड़ रहे हैं, उसकी पालना ले रहे हैं, पढ़ाई मिल रही है, शिक्षाएं मिल रही है, श्रेष्ठ मत मिल रही है, और उन सच्ची देवियों के साथ हम खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पालना ले रहे हैं। कितना बड़ा भाग्य है। अब भाग्यवान आत्माएं भी अगर कोई मेहनत करें, युद्ध करें, योग नहीं लगता है, पवित्रता की धारणा में मेहनत है, ये मेहनत है, वो मेहनत है, मोहब्बत में रहना सीखो। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं होती। बाबा के प्यार में, वैसे भी कहते हैं प्यार में कुर्बानी बहुत सहज हो जाती है। लौकिक जीवन में तो लोग शरीर का कुर्बानी कर देते हैं, अगर किसी से थोड़ा भी अटैचमेंट हो गई, लगाव हो गया है तो दैहिक प्यार, लेकिन उस प्यार में लोग मर मिटने के लिए तैयार होते हैं, और बाबा के प्यार में लोगों को क्लास में आने के लिए पसंद नहीं। तो बाबा कहता है प्यार प्यार में आप सबको सब बातों से मुक्त हो जाना है, सिर्फ बाबा को प्यार करने की आदत का। जिस बाबा ने हम सबको इतनी अखुट प्राप्तियां कराई हैं, इतना श्रेष्ठ जीवन दिया है, कलयुग में रह करके हम सब कलयुग के झंझटों से मुक्त हो गए, कुछ नहीं। बाबा कहता बच्चे, उस दिन दो शब्द दिए, मेरा बहुत ध्यान गया कि एक बच्चों को आसन देता हूँ, दूसरा सिंहासन देता हूँ। संगम युगी ब्राह्मणों को आसन भी मिला है और सिंहासन भी मिला है। मिला है आसन है, तपस्या आसन पर ही बैठ के की जाती है, और वो आसन स्थूल में आसन नहीं है, उसमें भी अगर आसन पर बैठो तो मजा आता है, लेकिन अगर कोई एक रस स्थिति के आसन पर, साक्षी दृष्टा स्थिति के आसन पर, सब कुछ देखो देखो, सब मना कुछ नहीं बाबा करता है, लेकिन देखते हुए भी ना देखो, उसका प्रभाव अंदर न चला जाए, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कई ब्राह्मण आत्मा इसमें उलझ जाते हैं, जो हो रहा है बहुत अच्छा। ये नाटक की अंतिम सीन है, परिवर्तन की सीन है, सब कुछ होने वाला ही है, अति में जाएगा तो अंत होगा। कलयुग का अंत ऐसे सहज थोड़ी होगा, लेकिन अगर हम साक्षी दृष्टा स्थिति के आसन पर नहीं है तो प्रश्नों में उलझ जाएंगे, अनेक प्रकार की बातें आएंगी, ऐसा होता है, वैसा होता है, सरकार ऐसे करती, प्लान ऐसे करते, ये तो दुनिया वाले करते हैं, हम थोड़ी कर सकते, बाबा के बच्चे ऐसे करते, सोचना भी नहीं। ड्रामा कल्याणकारी है और ड्रामा की हर सीन में बहुत बड़े राज हैं, रहस्य भरे हुए हैं, इसलिए कोई भी दृश्य आ जाए, कितना भी गलत दृश्य नेगेटिव दिखे, प्रश्न नहीं करना। अगर प्रसन्न चित्त स्थिति बनानी है तो सब प्रश्नों से पार, और प्रश्नों से पार वही रह सकता है जिसको साक्षी दृष्टा स्थिति का आसन है। बैठ जाओ, न्यारे नाटक चल रहा है, सिनेमा देखे बैठते होंगे, टीवी पर कोई ऐसी सीरियल आए, बैठ रहे देख रहे हैं, उसमें खून भी हो रहा है, मारपीट भी हो रही है, प्यार भी हो रहा है, सब कुछ दिखा रहे हैं, और हम हंसते हैं, खुश होते हैं, हाय हाय थोड़ी करते, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसे ही ये चलता फिरता है, जो बेहद का नाटक चल रहा है। बाबा कहता है इस नाटक को बहुत साक्षी आसन है, आसन के बाद सिंहासन दिया है, और वो सिंहासन राजाओं को मिलता है, इसलिए बाबा कहता है तुम मेरे बच्चे संगम पर बेफिक्र बेगमपुर के बादशाह हो। तो बेगमपुर के बादशाहों को बाबा ने सिंहासन दिया है, सिंहासन समझते क्या होता, राजाएं सिंहासन पर बैठते आसन पर नहीं, तपस्या करने वाले आसन पर बैठते हैं, और जो राजाएं होते हैं सिंहासन पर बैठते हैं। तो मैं कल पूछ रहा था ना, सिंहासन नाम क्यों दिया, सिंह का आसन, सिंह का आसन तो दुर्गा माँ का है, सिंह पर बैठने वाली है, इसलिए सिंहासन जब शब्द कहते हैं तो निर्भयता की निशानी है, शक्ति की निशानी है, निर्भय की निशानी है,
किसी से भयभीत नहीं होता, तो बेफिक्र बादशाह उस आसन पर विराजमान है। कैसा भी दृश्य आए, कोरोना काल में कितना लोग भयभीत रहे, कितना डरे हुए रहे, पता नहीं क्या हो जाए। इसलिए बाबा ने अपने बच्चों को भय मुक्त बनाया। शायद वो शब्द जो आता है भक्ति का, भाव सागर से पार करता है। भाव सागर है या भय का सागर है? भय का सागर है। इस समय सारी दुनिया के अंदर भय है, पता नहीं कल क्या हो जाए। ये विश्व युद्ध के खतरे मंडरा रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, एक दूसरे को आंख दिखा रहे, परमाणु युद्ध कर देंगे, थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगी, ये करेंगे वो करेंगे, और अगर हो गई तो होनी तो है, वो तो कोई टाल नहीं सकता है, वो तो भगवान का प्लान है। इसलिए वो एक भय का वातावरण दुनिया के अंदर इतना ज़्यादा है, शायद भय में खाते होंगे, भय में सोते होंगे, भय में रहते हैं, और हम सब बच्चे तो भाव सागर पार कर गए। है भय, माताओं को भय है कोई? है निर्भय, और निर्भय के लिए निर्भय, कोई से भय नहीं, कोई से दुश्मनी नहीं। तो बाबा ने अपने बच्चों को भय से मुक्त किया है, भाव सागर से पार किया है, और चिंताओं से तो बिल्कुल बेफिक्र बादशाह। चिंता किस चीज की? बाबा का वायदा है मैं अपने बच्चों की अंत तक पालना करूंगा। बाबा अपने बच्चों को भूखा थोड़ा छुड़ाएगा, जिसने बाबा को रोज भोग खिलाया है और प्यार से बाबा को ऑफर की है, खाते समय पहले भोग लगाया है, उसको ऑफर किया, जानता है वो खाता नहीं है, लेकिन बिना खिलाए उसको नहीं खाता, कहता अगर बिना खिलाए खा लिया तो चोर हो जाओगे, तो ध्यान देना बाबा को जरूर खिला के खाना, ऐसे नहीं खाने। तो जिन्होंने बाबा को रोज भोग लगाया है, वो अंत समय में जब भोजन खाने के लिए नहीं, सबको कुछ होगा ऐसा नहीं होगा, होगा लेकिन खाने योग्य नहीं होगा। जैसा पानी की बरसात अधिक पड़ जाती, बाढ़ आ जाती है, लोग पानी के बीच में होते हैं लेकिन पीने जैसा पानी नहीं होता, पीने के लिए उनको पानी की तरस होती है, मिल जाए थोड़ा अच्छा। तो ऐसे ही सब चीज़ें हों, भले उपलब्ध हों, लेकिन अगर खाने की योग्य नहीं है, पीने की योग्य नहीं है, भूखते हुए भी नहीं हम खा सकते, तो ऐसे समय पर बाबा कहता है मैं तुम बच्चों को अपने वतन में बुला करके सोई रस पिलाऊंगा। लेकिन इतना प्यार, इतना बाबा के प्रति समर्पण भाव जिनका है, जिन्होंने इस प्रकार से बाबा को सच्चे दिल से रोज ऑफर किया है, बाबा आप खिलाने वाले हो, आप दाता हो, आप जरूर आकर के इसको स्वीकार करो, अपनी दृष्टि डालो, अपने मार्गदर्शन दो, शुक्रिया बाबा जो आप इतने प्यार से मेरी पालना कर रहे हो। यही तो योग है, योग बैठ करके ऐसे थोड़ी आँख बंद करके बैठ जाना, चलते फिरते खाते पीते बाबा बाबा बाबा, उसके प्यार में खोए रहो, समाये रहो। ये लौलीन स्थिति जो है, मोहब्बत वाली स्थिति है, हर प्रकार की मेहनत से मुक्त कर देगी। लेकिन इसमें ही समाना नहीं आता, लोगों सूखे सूखे योगी बन जाते, नीरस योगी, जैसे कोई रस ही नहीं योग में, कहीं तो बैठेंगे यहाँ ऊपर जा रही है, इधर जा रहा है, गर्दन टेढ़ी हो रही है, अरे बाबा ने इतना सहज योग, कर्म योग, स्वतः निरंतर योगी बनाया, और योगी जीवन बनाइए, इसे थोड़ी योग लगाना है हमको दो घंटा चार घंटा। साकार बाबा ने कहा है ठीक है आठ घंटा योग करो कम से, और इसलिए कहा जब प्रवृत्ति मार्ग वाले आने लगे, नौकरी वाले, बिजनेस वाले, तो वो कहते बाबा मेरे पास फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है, तो बाबा ने उनको एक दिनचर्या बना दी, कैसे ऐसे आप फुर्सत निकालो, 24 घंटे को तीन भागों में बांट लो, आठ घंटा अपने शरीर के लिए दो, नहाओ धो सो आराम करो, शरीर को आठ घंटा दो, खाना पीना सही तैसे नहीं, आठ घंटा सोए रह जाओ, और आठ घंटे लिए शरीर निर्वाह है, जो शरीर के लिए परिवार के लिए जरूरी है उसके लिए आठ घंटा मेहनत करो, कमाई करो, और आठ घंटा बाबा के लिए दे दो, पढ़ो लिखो, योग करो, अपनी उन्नति करो, दूसरों की सेवा करो, आठ घंटा उसके दे दो। इस तरह से बाबा ने 24 घंटे की दिनचर्या को बहुत विधिवत बांटा, ऐसे अगर बच्चे चलेंगे तो ये कभी नहीं कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं, अभी भी कहते हैं अगर माना उनकी दिनचर्या में कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट हो रहा है। आज बाबा के वरदान में है, अगर व्यर्थ से बचना है
यथार्थ विधि है व्यर्थ से बचने की, अपना संकल्प, अपना समय, विश्वास सफल करो। जो सफल नहीं करते हैं, इस विधि को नहीं अपनाते हैं, उनकी सब शक्तियां व्यर्थ हो जाती है। कंप्लेन है, व्यर्थ चलता है, व्यर्थ संकल्प आते हैं, व्यर्थ में समय जाता है। तो बाबा कह रहे हैं उसका मूल कारण है तुमने अपने खजानों को सफल नहीं किया। और सफल कहने का सुंदर अर्थ बाबा बताते हैं, सफल कहना माना श्रेष्ठ तरफ लगाना। सफल कहना का अर्थ नहीं है कि हमने यहाँ दान कर दिया, वहाँ कर दिया, सफल कर लिया, लेकिन श्रेष्ठ तरफ लगे, जहाँ से अपना और दूसरों का कल्याण हो वहाँ पर सफल करो। तो अगर सफलता का वरदान लेना है या व्यर्थ से मुक्त होना है तो विधि से सिद्धि बाबा ने सिखाई। ऐसे नहीं कह दिया छो मंत्र हो जाएगा। कभी भी कोई भी वरदान बाबा के सुनोगे, तो जब मैंने वरदान शुरू किए बनाना लिखना मुरली के नीचे, तो मुझे बाबा की ऐसी टचिंग आई कि नहीं, बाबा कभी भी तथास्तु कह करके वरदान नहीं देता। बच्चों को विधि बताता है, और अगर विधि पूर्वक कोई कर्म करते हैं तो उन्हें वो सिद्धि के रूप में वरदान मिल जाता। वरदान शब्द में भी दो शब्द आते हैं, वर दान। अगर कोई भी वर चाहिए बाबा से, वरदान चाहिए, तो दान करना पड़ेगा। हम बाबा से वरदान चाहते हैं लेकिन दान नहीं करते। अगर आपको अपनी मनसा को शक्तिशाली बनाना है, पवित्र बनाना है, मन मनाभो होना है, एकाग्र करना है, तो मनसा से कुछ समय शक्तियों का दान करो, सुभावना का दान करो, सबके पर शुभ चिंतक बन करके दान करोगे तो मनसा अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी, मनाभो हो जाओगे, मनसा शक्तिशाली बन जाएगी, जो संकल्प करोगे वो होने लगेगा। संकल्प की सिद्धि कहते ये सोचता है वो हो जाता है। आजकल हम लोगों को कई बार एक अनुभव हो रहा है, संकल्प उठता है काम हो जाता है, पता नहीं क्यों होता, कैसे होता है। बाबा की मेहरबानी है, वो तो है ही है, वो तो है ही बाबा साथ। लेकिन जिन ब्राह्मणों ने अपने संकल्पों को व्यर्थ नहीं किया है, जिन संकल्पों ने, जिस आत्मा ने अपने संकल्पों की बचत की है, उनके संकल्प सिद्धि स्वरूप बन गए। इसलिए मनसा से अगर हम किसी के शुभ चिंतक बनते हैं, शुभ भावनाएं रखते हैं, शुभ वृत्तियों का दान करते हैं, मनसा से सकाश देते हैं, तो देने से मनसा शक्तिशाली बनने का वरदान मिल जाता है। अगर आपको योग बहुत सहज योगी जीवन जीनी है, तो आप मन से कुछ न कुछ शुभ भावना का दान दो सब, पर चिंतन प्रदर्शन नहीं, शुभ चिंतन हो, सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका कल्याण हो, ये तो संकल्प कर सकते हो ना। अब ये संकल्प अगर कर लिया तो आपकी मनसा शुद्ध हो गई, पवित्र हो गई, शक्तिशाली हो, वरदान मिल गया। अब बाबा के तरह वाणी से अगर तुम ज्ञान का दान करो, कोई को दो शब्द बाबा के सुना दो, वाणी जो व्यर्थ जा रही है उसको बचा लो, और जो वाणी कभी किसी के प्रति बोलते हो उसमें बहुत प्यार, बहुत सम्मान, ऐसे आवश्यक बोल बोलो, ज्ञान युक्त बोल बोलो, जो उस आत्मा का भला हो जाए, कल्याण हो जाए। अब ऐसे बोल बोल दिया जो बेचारे के दिल में घुस गया, दर्द लग गया, तीर जैसा मार दिया किसी को, कट्टु वचन बोल दिया, अपमानजनक बोल दिया, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल दिया, किसी की इंसल्ट कर दी, बोलते ही हो रहा है। और अगर बोल दिया और कर लिया तो उसके रिजल्ट क्या होगी, दूरी बढ़ जाएगी, संबंध बिगड़ जाएंगे, सहयोग नहीं मिलेगा। इस सब परिवारों में आजकल यही हो रहा है। बाबा ने हम बच्चों को कहा है वाणी के द्वारा ज्ञान दान करो, और कुछ नहीं, आपकी वाणी वरदानी बन जाएगी। दो शब्द कोई के लिए बोल दोगे हो जाएगा, वरदान मिल जाएगा लोगों, सिद्धि स्वरूप बन जाओगे। आज हमें जातियों की दो शब्द सुनने के लिए, बाबा के दो शब्द सुनने के लिए कितना लोग लालायित रहते, बाबा मेरे लिए, दादी मेरे लिए, दो शब्द कुछ कहे, क्यों? क्यों वरदानी ही बोल है, उन्होंने अपने बोल पर इतना कंट्रोल किया है कि जो बोलेंगे होने लगेगा। तो बाबा ये सिद्धि जरूर देता है लेकिन उसकी विधि बताता है। जितना किसी ने अपनी वाणी पर कंट्रोल रखा है, व्यर्थ नहीं बोला है, जितने शब्द बोले हैं वाक्य नहीं महावाक्य बोले हैं, वो सतगुरु के महावाक्य कहलाते हैं, सत्य वचन हो जाते हैं। तो सत्य वचन महाराज क्यों कहा गया भक्ति महाराज,
सत्य वचन महाराज, जो महाराज जी बोलेंगे वो सत्य वचन है। अब क्या बोल रहे हैं देख लो, अब वो सब सत्य हो रहा है, इसलिए क्या दुनिया की हालत हो गई। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे हैं, अपनी वाणी पर बहुत ध्यान दें, वरदानी वाणी हो जाएगी। ऐसे बाबा के तक कर्म से तुम गुणों का दान करो, फरिश्ता बन जाओगे। कर्म छोड़ना नहीं है, लेकिन ऐसे कर्म करो जो लोगों को सिखा दो ऐसे कर्म करने चाहिए। कितने भी कार्य हो, कितना भी आप बिजी रहो, कितनी भी सेवाएं करो, लेकिन ऐसा नहीं मैं तो बहुत बिजी हूँ, चेहरे पर ये ना है मेरे पास ये काम है, मेरे पास ये काम है, कोई भी आ गया, समय कुछ नहीं जाता। अगर एक सेकेंड के लिए आया है सामने से, मैं प्यार से उसको दो शब्द बोल दिया, प्यार से उसको बैठा के बात कर लिया, काम तो हो जाएगा। बाबा कहते हैं काम के लिए तो समय है ही आपके पास, लेकिन किसका बजरा है, यहाँ का बजरा है, ये बात क्या है। इसलिए कितने भी कार्य हो आप सब ध्यान देना, ऑफिस में काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, ये अनुभव ना लोगों को, ये बहुत बिजी है। हमारी दादी जानकी मुझे कभी कभी एक बात कह देते, कभी दो चार दिन मैं नहीं जाता था मिलने के लिए, एक दिन मैंने ऐसे बोल दिया, दादी कहते तो तुम क्यों नहीं आता मिलने, दादी आप बहुत बिजी रहते हो, बहुत बिजी हो तुम, मुझे देख करके लगता है मेरे जितना टाइम जाता, अरे तुम मेरी इंसल्ट करता है। दादी इंसल्ट क्यों करता है, ये इंसल्ट है, तू मुझे कहता मैं बिजी हूँ, तेरे लिए मैं कब बिजी हूँ, इतना मेरे को लग गया हो बात कि इतना बिजी होते हो भी एक मिनट भी देखो फ्री नहीं है, ये मिल रहा है वो मिल रहा है, यहाँ ई मेल कर रही वहाँ बातें कर रही, देश विदेश में पूरे हैंडल कर रही सेवा, इतनी बड़ी उम्र है मैं जा करके आधा घंटा टाइम लो। तो मुझे ऐसे एक दिन मैंने ऐसे बोलते दादी आप बहुत बिजी रहती ना, इसलिए मेरे पाने की हिम्मत नहीं पड़ती, और ये शब्द सुना मैंने तो मेरी इंसल्ट करता है, तो मैंने सोचा ये भी इंसल्ट को महसूस हो गई, अभी मैं कभी नहीं कहूँगा। इसलिए जब भी होता था एक बार तो उनके पास जाना ही है, एक बार उनको अपना शकल दिखाना है, आओ बैठो, कितना भी बिजी हो पहले नंबर पे मेरा कुछ काम हो तो बताओ, अच्छा ये कर लेना ये कर लेना, इतना सब बिजी है मैं जानता हूँ, लेकिन कभी बिजी को दिखाया नहीं, कहीं दिखाते बहुत है करते कुछ भी नहीं है, ऐसे भी तो बहुत बिजी है, बहुत बिजी है। तो बाबा कहता है बिजी नहीं बिजी रहो, ऐसे ही नहीं रहो जो माया आकर के घुस जाए, इतने इजी नहीं बनो, अलर्ट रहो, लेकिन ऐसे नहीं आपसे कोई मिलने आया है, कोई बात करना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, और आप को नहीं मैं तो बहुत बिजी हूँ बाद में आना मेरे पास टाइम नहीं है। बाबा ये सब नहीं सुना चाहते, इतना इजी हो कि स्नेह से उसको दृष्टि दो, मुस्कुरा के बात करो, उसको संतुष्ट कर दो, वो आपको धुआं दे देगा और आपका काम और अच्छा होने लगेगा। हम लोग अनुभव करते हैं 8-10 घंटे का काम भी 3-4 घंटे में कर लेते हैं, होता है सेवाएं बहुत होती हैं और अर्जेंट होती हैं, अगर मेरे को 1 घंटा भी मैं लेट कर दूं तो मेरा सारा डिपार्टमेंट ठहर जाए। सेवाएं हैं, जरूरी भी है, करना भी है, लेकिन ऐसा नहीं दिखाओ मैं बहुत पीछे हूं, नहीं कर सकूं। मैं अपने आप को इतना एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ कोई ये नहीं कहते भाई साहब यहाँ क्लास कराना इधर क्लास करना, मिलने वाले आ रहे ये करने वाले आ रहे, और 3 महीने पहले मुझे सबके पास मुरली देना है, मुरली का काम उतना नहीं चाहिए, पत्र पुष्प का काम उतना चाहिए, इसके पीछे बहुत बड़ी पूरी विश्व टिकी हुई है, जवाबदारी पहले नंबर की मेरी है, मैं अकेला नहीं हो सकता, अगर एक दिन भी मैं लेट कर देंगे तो सारी दुनिया की कंप्लेंट मेरे पास आ जाएगी, पूरे विश्व को एक साथ लेके चलना, जो वहाँ सुनाया जा रहा है वही लंदन और अमेरिका और अर्जेंटीना या गांव में सुनेंगे, तो उसके लिए जवाबदारी तो है, लेकिन जवाबदारी माना बोझ नहीं, बहुत हल्का बना रहे, कई लोगों को जवाबदारी बोझ अनुभव होती है। बाबा का बच्चा बोझ है तो योग लगे ही नहीं, बोझ लेकर के मेरे बच्चे चलेंगे तो कब फरिश्ता बनेंगे, तो कर्म से अगर दिखाते हैं बहुत हल्के हैं लाइट हैं कर रहे हैं, लेकिन करने का भान ही नहीं है, कराने वाला करा रहा है, वो कराने वाला, इसलिए सब काम अपने आप एक्यूरेट होगा, जो 4 घंटे 6 घंटे वाला काम हो आधा घंटा 1 घंटे में हो जाएगा।
मन बुद्धि एकाग्र है, स्वच्छ है, भटक नहीं रही है, तो कितने भी काम होते हैं, इतने पत्रों का ढेर लग जाता है मेरे सामने, आते हैं पढ़ाओ जवाब दे। काम हो रहे हैं, बाबा करा रहा है, करावन हार हो रहे हैं, लेकिन कई बार हम कर्म में बोझ का जब अनुभव करते हैं तो लोग कहते हैं भाई तो बहुत पीछे से कैसे बात हो, हिम्मत नहीं पड़ती बात करने की। माया को हिम्मत ना पड़े, लेकिन भाई बहनों को तो कम से कम हिम्मत हो जो उसे मिल सके। ऐसे अगर कर्म योगी बन करके हम कर्म करते हैं तो लोगों को कर्म से गुण सीखने को मिलते हैं। कितना हम हल्के रहते हैं, कितना मिलनसार हैं, कितने मधुर हैं, अनेक गुणों का दान करने का सबसे अच्छा साधन है कर्म से गुणों का दान। तो जो कर्म से गुणों का दान करते हैं उनके कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं, वो कर्म योगी बन जाते हैं, वो कर्म कभी कर्म कुशल कहते हैं, उनके कर्म कुशल हो जाते हैं। तो ऐसे बाबा ने सब विधियाँ बताई हैं और इन विधियों को अगर हम यथार्थ रीति से प्रयोग में लाते हैं तो सब सिद्धियाँ यहाँ प्राप्त हो जाती है। तो संगम के ऊपर कोई सिद्धि मांगने की जरूरत नहीं है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं, विधि यथार्थ। अमृत मेले उठने की विधि है, मुरली क्लास में आने की विधि है, कर्म में कर्मयोगी बनने की विधि है, भोजन बनाने खाने की विधि है, आपस में मिलने जुलने की विधि है, जब संगठन में आते हो तो उसकी विधियां हैं, जब सोने बिस्तर पर जाते हो तो उसकी विधि है, और विधि पूर्वक अगर आप सब कुछ कर रहे हो तो किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं। जहां विधि का उल्लंघन किया, जहां पर कोई नियम का तोड़ा, माया अपना वार करेगी। आप रात को जाते हो बिस्तर पर, अगर इधर उधर के समाचार सीरियल इधर उधर की बातें देखते देखते सो जाते हो, मोबाइल देखते देखते सो जाते हो, समाचार दुनिया के समाचार पढ़ते देखते सो जाते हो, तो स्वप्न क्या आएंगे, फिर अमृत वेला क्या होगा, वही चलेगा, फिर कहे मेरा योग नहीं लगता, मेरे बहुत गंदे गंदे स्वप्न आते हैं, मुझे ऐसे स्वप्न आए, मैं डर गया, मैं ये हो गया। अरे तुमने अपनी दिनचर्या को बिगाड़ा, श्रीमत का उल्लंघन किया, विधि पूर्वक नहीं सोए, बाबा को याद करके 10 मिनट 15 मिनट अपना समाचार सुनाया, बाबा को सुना करके हल्के धो करके, बाबा ये आज की दिनचर्या है, ये आज मेरे से हुआ, मैं आपको अर्पित करता हूँ, अब मैं अपनी आपकी गोदी में सो जाता हूँ, गुड नाइट। रात को सो गए बाबा के प्यार में, साफ स्वच्छ होकर ड्रेस चेंज करके। हमारा एक गीत बजता था, सोने के समय मधुबन में सो जा राजकुमारी, और जब सवेरे गीत बजता था जाग सजनिया जाग, तो रात को कुमार राजकुमारी थी और सुबह उठे सजनी बन गई। गीत बजता अभी मेरे बजता नहीं गए। तो आप ध्यान देना, राजकुमारी माना कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, बिल्कुल एकदम हल्की होकर के बाबा को सब कुछ अर्पित करके सो गई, और जब उठी तो बाबा जो आप सेवा देंगे हम आपकी सजनी हैं, जो कहेंगे वो करेंगे, एक वृत्ता होकर के रहेंगे, आपके हर कार्य को संपन्न करने में सहयोगी बनेंगे, सजनी बनके जवाबदार बनके सेवा में लगे। तो बाबा ने सब विधियां बताई हैं, और हर ब्राह्मण आत्मा को विधि से सिद्धि प्राप्त करनी है, ठीक है। ऐसे नहीं कहो ये इनको प्राप्ति है मेरे को नहीं है, इस भाई की अच्छी स्थिति है मेरी ऐसी नहीं बनती, क्यों नहीं बनती, कहीं न कहीं किसी न किसी विधि में हमने ढिलाई छोड़ी, हल में ले चल नहीं हो जाएगा, बन जाएंगे। कल बाबा कह रहे थे कई बच्चे ड्रामा ड्रामा कहते ना पुरसारथहीन बन जाते हैं, ड्रामा पुरसारथहीन बनाने के लिए नहीं है, ड्रामा तो हमें नंबर वन ले जाने के लिए है। इसलिए सोचो होगा तो कर लेंगे, तो खाया होगा तो खा लेना, बनाना ही नहीं लाना ही नहीं बाजार से। लेकिन ये भी एक समझ की जरूरत है कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसका ही परिणाम हमें दिखाई देता है। ड्रामा की ढाल वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर कार्य करने के बाद कोई बात में लगता है सफल नहीं हो रहा, जो ड्रामा नहीं था बुद्धि नहीं चलानी, तो ब्रेक वहाँ लगाई जाती जहाँ एक्सीडेंट होने वाला होता है। ब्रेक होती पावरफुल है, बहुत चेक करना पड़ता है चढ़ाई के समय, ब्रेक चाहिए, ब्रेक के बिना गाड़ी में कोई बैठना नहीं चाहेगा, ब्रेक है ड्रामा। लेकिन ड्रामा की ब्रेक माना है सब जगह लगा देना ब्रेक,
ब्रेक सब जगह लगाओगे तो कैसे ऊपर पहुंचोगे मंजिल पर? पहुंचना है, स्पीड में जाना है, पहुंचना है तो ब्रेक रहनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई मान लो सामने आ गया, कुछ एक्सीडेंट होने का खतरा है, पहले अगर मोड़ना है तो ब्रेक लगा करके हैंडल को मोड़ करके आगे जाएंगे। ब्रेकर आ गया कोई ऐसा, ऐसे थोड़ी जंप लगा देंगे, सबका एक्सीडेंट हो जाए, सबको चोट लग जाएगी। और ऐसे ब्रेकर्स कितने आ रहे हैं सबके आगे, रोज कोई ना कोई रुकावट, परिस्थिति, प्रॉब्लम हर एक आगे आती। लेकिन उस ब्रेकर्स में ठहर करके, ड्रामा कह करके, धैर्यता से उस बात को देखा, समझा, सोचा, विचार किया, बाबा से शक्ति लो, पार किया, तो ब्रेक लगाओ जरूर ड्रामा की। लेकिन ड्रामा की ब्रेक ऐसा बोले सब जगह ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, ड्रामा में होगा तो क्लास में आ जाएंगे, ड्रामा हो गया तो भोजन कर लेंगे, ड्रामा हो गया तो मधुबन में चले जाएंगे। चले जाओगे क्या? टिकट नहीं करोगे क्या? रिजर्वेशन नहीं लोगे क्या? इसलिए यथार्थ समझ करके, ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से समझ करके अगर यूज करोगे तो ये संगम की लाइफ मौज की लाइफ है, आनंदमय लाइफ है। इसको बाबा ने कल कहा था, ये डायमंड एज है संगम युग, और ये आपकी डायमंड लाइफ है। सत्युग की देवताओं से भी ऊंची लाइफ है, जिसमें भगवान हमारा गाइड बना हुआ है। सत्युग तो हो गई थी, तो हम सबको गाइड करने वाला जो हमारे साथ साथ है, और इतना मुरली के द्वारा गाइड कर रहा है, नहीं मुरली समझ में आती तो ऊपर से सर्च लाइट देख के टच करके गाइड करता है, तो उसकी गाइडेंस में रहो, सुरक्षा में रहो, बहुत अच्छी स्थिति बना करके सदा प्यार में मोहब्बत में बाबा बाबा कह के संगम के हर समय संकल्प श्वास को सफल करो, कुछ भी बेहतर जाए तो सिद्धि स्वरूप जाओ। ठीक है, ओम शांति। आजकल क्या होता है, शुरू शुरू में वो ज्ञान और योग का, आपको सुना है, ज्ञान और योग का वो बहुत इंटरेस्ट और वो लगन रहता है, जाते जाते थोड़ा थोड़ा ढीलापन आ जाता है या उमंग उत्साह नहीं रहता। तो ज्ञान और योग में उमंग उत्साह जो है थोड़ा कम हो जाता है, उमंग उत्साह को कांस्टेंट या कायम रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आपने कभी इस पर विचार किया है कि हम जब आते हैं ज्ञान योग सुनते हैं, बड़ा अच्छा वातावरण मिलता है, अच्छा संघ मिलता है, परिवार मिलता है, बहुत उमंग उत्साह होता है, एक दो तीन चार साल जब बीत जाते हैं ठंडे हो जाते हैं। कारण, कारण तो कुछ होगा, एक कारण ये है, कई बार हम दूसरों को देखने में बहुत प्रवीण बन जाते हैं, दूसरों को देखने की आंख बड़ी तेज है, ये क्या करता है, वो क्या करता है, इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, ये तो बड़े पुरुषार्थी हैं, इतने समय से योग करते हैं, फिर भी इनकी ऐसी स्थिति है। तो हम जब दूसरों को देखने लगते हैं तो हमारा उम्र अनुसार डाउन हो जाता है। इसलिए बाबा कहता है देखना है तो केवल एक बाबा को देखना, कोई को नहीं देखना। सी फादर फॉलो फादर, किसी भी भाई बहन को नहीं देखना। और सरोज दीदी आ गए, और उमंग उत्साह को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ रोज नया नवीनता से योग करो, नवीनता से मुरली सुनो। जहां नवीनता और वैरायटी है वहां उमंग उत्साह सदा कायम रहता है, जहां एक जैसी रूटीन हो जाती है अमृत वेले वही उठ रहे, योग वैसे ही कर रहे, मैं शांत स्वरूप हूँ। अरे शांत स्वरूप हो ठीक है, लेकिन आत्मा के सात गुण हैं, क्यों एक तरह से योग कर रहे हो? मैं जब भी योग कराता हूँ ना अलग अलग ढंग से कराता हूँ, खुद भी ऐसे ही करता हूँ, कभी प्रेम स्वरूप होके करो, कभी शक्ति स्वरूप होके करो, कभी प्यार में आनंद स्वरूप होकर के करो, कभी सुख स्वरूप होके करो, वैरायटी है। जब वैरायटी की जाती है तो वह गुस्सा कायम रहता है, और अगर एक जैसी रूटीन आपने बना के रखी है तो चलते चलते कब तक ऐसे करते, यही योग है क्या, यही मुरली है, हमने पढ़ लिया हजार बार, तो वही वही कह करके जैसे रोज भोजन खाते खाते बोर हो जाते हैं, एक स्थान पर रहते रहते बोर हो जाते, चलो यहाँ पिकनिक करके आए, यहाँ घूम करके आए, यहाँ चले वहाँ जाए, चेंज हो जाए तो मंगसा बढ़ जाए। तो पढ़ाई में, योग में, संगठन में नवीनता है, वैरायटी है, तो मंगसा कायम रहेगा। और अगर नहीं है, जैसे चल रहे हो चलते चलते थोड़ी ढाल जाओ, इसलिए कुछ न कुछ नया प्लान करो, नई बुद्धि से चिंतन करो, नया लेख लिखो, नए ढंग से बाबा की बातों को सुनाओ,
और नए ढंग से योग करो, तो आपका उम्र वैसा बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। हमारा 50 साल में कम नहीं हुआ, हम बढ़ते गए, इस ढंग से बढ़े हैं। ठीक है, आपने कहा संगठन में, मतलब वो तो सत्य है, संगठन में हमको पावर मिलती है, परिवर्तन का हमको मौका भी मिलता है, लेकिन घर में सब जो माहौल होता है तो सबका एक स्थिति नहीं होती है, सबका दृढ़ संकल्प या समर्थ संकल्प नहीं होता है। तो बाबा ने कहा घर घर को स्वर्ग बनाना है, हर एक आत्मा के प्रति सुभावना, हर एक को परिवर्तन करके घर को स्वर्ग बनाना है। तो अभी हम माताओं का यही है कि एक ज्ञान में है तो दूसरा, मैं अपनी नहीं बोल रही, एक उदाहरण के तौर पर बताती हूँ। जैसे कि कई माताएं बताती हैं कि अभी मैं चल रही हूँ ज्ञान में, बच्चे नहीं है, पति नहीं है, तो आपने वो बात कही तो मुझे लगा कि हाँ वो, तो फिर हमको उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है कि हमारी घर की जो स्थिति है, जो घर का वातावरण है, वो भी ऐसे श्रेष्ठ और महान बने जिसमें हम समर्थ स्थिति बनाए रखें और औरों को परिवर्तन का हमको मौका मिले। इसके लिए अगर एक जना ज्ञान में आता है तो उसको बाबा कहता है परिवार में ज्ञान देने का एक वंडरफुल तरीका है, कभी डायरेक्ट उनको कोई बात नहीं सुनाई जा सकती। आपके अंदर जो परिवर्तन है, आपकी स्थिति जो है, वो सेवा करते हैं परिवार में। अगर कोई बहुत पहले क्रोध करता है, बहुत चिड़चिड़ापन है, बहुत विकारों के पीछे, इच्छाओं के पीछे, फैशन के पीछे, ऐसी साड़ी चाहिए, ऐसा ये चाहिए, ऐसा ये चाहिए, बहुत सारी डिमांड जो रहती है, बाबा के बनने के बाद अगर अपने परिवार पर छाप डालनी है तो उसकी बहुत अच्छी विधि है अपनी साथी से ऊपर योगयुक्त जीवन। जितना आपकी बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए, अनाशक्त जीवन है, नष्टो मोहा जीवन है, उनको लगेगा ये कहाँ से इतना परिवर्तन हो गया, कैसे परिवर्तन, ज्ञान नहीं दे रही है, लेकिन वो अपने जीवन की छाप डाल रही है, अपनी धारणाओं की छाप डाल रही है, अपनी रूहानियत की छाप डाल रही है। अगर अमृत वेले उठ करके उस स्थिति में गुप्त रीति से योग करते हैं, कोई को दिखावा नहीं कर रही है, बाबा के प्यार में समाई हुई, जो उसकी बाह्य मुक्ता थी, अगर उसका आकर्षण खिंचावट चाहनाएं कम हो गई तो परिवार वाले अपने आप सोचेंगे इसके लिए मैं इतना खर्चा करता था, आज यहाँ घूमने जाना, आज होटल में जाना, आज यहाँ जाना, क्या इसको हो गया। तो उसकी जो वैराग्य वृत्ति की स्थिति है खुशनुमा रहना, चेहरे पर नहीं आना चाहिए, खुशी जीवन में होने सख्त वृत्ति हो जाए, योगयुक्त वृत्ति हो जाए, भोजन बनाओ बहुत प्यार से और इतना अच्छा स्वादिष्ट बना के खिलाओ जो उसको लगे कि हाँ ये तो और अच्छे से अच्छा बना के खिला रहे हैं, तो पति बच्चे सब आपके हाथ का खाना पसंद करें, लेकिन उतना भावना से, इतना प्यार से, इतनी शुद्धि से भगवान को भोग लगा के खिलाएंगे तो क्यों कहेगा मार्केट में खाए इधर खाए उधर। भोजन इतना जरूरी है, अगर शुद्ध भोजन किसी पवित्र आत्मा के हाथ का बनाया हुआ पवित्रता की किरणें उस पर डाल करके फिर खिलाया जाए, आज नहीं तो कल उसकी वृद्धि छीन हो जाएगी, परिवार आश्रम बन जाएगा। है आपके हाथ में जादू मंत्र, लेकिन उस जादू मंत्र का यथार्थ प्रयोग नहीं कर रहे, एक अमृत मिले उसकी धारणाएं अपने निजी जीवन की, और तीसरा जो हमारा भोजन है इतना शुद्ध, इतना पवित्र, इतने प्यार से बनाओ बाबा को, बार बार मैं पवित्रता की देवी हूँ, पवित्रता की किरणें मैं इस भोजन में भर रही हूँ, खाने वाले के विचार शुद्ध होंगे, वह अपने आप योगी बन जाएगी। ऐसी अगर भावना रख करके आप सेवा करो गुप्त रीति से, तो मैं समझता हूँ आपके घर में मंदिर बन जाएगा, आश्रम हो जाएगा। अरे कोई बड़े कड़े संस्कार वाले होते हैं, कुछ दिन विरोध करते हैं, लेकिन धीरे धीरे समझते हैं हमारे घर में तो देवी आ गई, उनको लगे आपकी स्थिति उनको अनुभव कराए, तो तभी हो सकता। क्या है आजकल भिन्न भिन्न रूप में माया अपना वार कर रही है। मेरा एक क्लास आया है, उस पर है, यूट्यूब पर भी है, और करुणा भाई ने रोजरी में भी डाला है। माया की हलचल बहुत फास्ट गति से चल रही है और अंतिम वार में अपने तीसरे नेत्र पर माया वार करती है, बुद्धि का जो नेत्र है ना उस पर वार होता है। वार में लोगों की पहचानने की शक्ति खत्म हो जाती है। बाबा इतनी ऊंची शक्ति, सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, जब ब्रह्मा बाबा के रथ को उसने छोड़ा, शरीर छूटा, तो गुलजार दादी कितनी प्योर, कितनी इनोसेंट, कितनी शुद्ध अंतर्मुखी आत्मा, सबने देखा, जिन्होंने देखा दादी को अनुभव किया है, जरा भी कहीं बाहर मुक्ता नहीं,
पवित्रता की देवी थी जिसको कहे, उनको दुनिया क्या है उसका पता ही नहीं था। शुरू 9 साल की उम्र से लेकर के ट्रांस का पाठ उनका चल रहा था। जितने ज्ञान के रहस्य हैं बाबा ने उनके द्वारा खोले। कभी भी कोई भी ज्ञान की बात, अव्यक्त लोक क्या है, सूक्ष्म लोक क्या है, कैसे ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, ये सारे ज्ञान के रहस्य उनके द्वारा ट्रांस मैसेज के द्वारा खुले। बाबा जब अव्यक्त हुए 21 जनवरी 1969 को भोग लगाने के लिए बैठे तो ब्राह्मणों के अंदर बहुत संकल्प थे और वो संकल्प ये थे कि अभी मुरली कैसे चलेगी, अभी आगे कैसे चलेगा, बाबा बिना बताए अचानक शरीर छोड़ा है बाबा प्रवेश में। और बाबा आए कहने लगे मुरली यही है जो बाबा ने साकार में सुनाई है वही मुरली है, मुरली केवल मधुबन में है, मुरली धर बाबा ने जो मुरली सुनाई है उसको डिवाइस करो, यही आपकी पढ़ाई है। और जब बच्चे किसी भी कार्य के लिए बाबा को बुलाएंगे या संदेश मंगाएंगे तो जिस बच्ची को निमित्त बनाएंगे, दीदी और दादी को निमित्त बनाया, ये जिसके लिए कहेंगे इस तन में बाबा आए, बाबा भी ये नहीं कहा कि इसी तन में मैं आऊँगा, लेकिन दीदी दादी के ऊपर जवाबदारी थी, जब भी कहेंगे, जब भी आवश्यकता होगी तो बाबा बच्चों के बीच में आएंगे। बाबा ने कोई भी छोड़ा नहीं है और अंत तक नहीं छोड़ेंगे। तो बाबा ने अपना पार्ट परिवर्तन किया है, कमरा चेंज किया है और गुलजार दादी के माध्यम से जब भी बाबा आए, यहाँ तक भी कहते रहे बच्ची इस रथ की जब तक हैसियत है, जब तक इस बात को सहन कर सकती है, दो आत्माओं का प्रवेश होना, परम शक्तियों का प्रवेश होना एक बहुत बड़ी मौत जैसा है, क्योंकि आत्मा को सोना पड़ता है, वो जागृत नहीं रहती है, तब वो आत्माएं अपना पार्ट नहीं करती। तो दादी जी की जो एकाग्रता थी, जब दादी जी ने जो अपने संकल्प शक्ति को बचाया था, जो बोल की शक्ति को बचाया था, वो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों आत्माओं ने प्रवेश होकर के समय प्रसमय हम बच्चों को गाइड किया, मिलन बनाया, अव्यक्त पाठ चलाया। और 48 साल में कोई भी ऐसा रहस्य नहीं रहा जो बाबा ने न सुनाया। और जब भी अव्यक्त मिलन की बात आई तो बाबा ने कहा बच्चे ये साकार में अव्यक्त मिलन आप कब तक करोगे, अभी अव्यक्त वतन में आने का प्रयास करो, अव्यक्त वतन से बाबा आपकी पालना करेंगे। गुजरात दादी के तन के द्वारा ऐसी मुरली चलाई। और उसके बाद जब 2017 में पाठ पूरा होना था, बाबा ने अचानक बच्चों ने पूछा बाबा अभी क्या करना है, क्या होना आगे, तो बाबा ने कहा कि अगले वर्ष समाप्ति वर्ष में एक ही सप्ती समाप्ति वर्ष कह करके अपने पाठ को समाप्त कर लिया 31 दिसंबर 2017 को। उसके बाद गुजरात दादी की तबीयत बिगड़ती गई और 3 साल तक दादी हॉस्पिटल में बॉम्बे में ही रही, मधुबन नहीं आई। 2020 में दादी जी ने शरीर छोड़ा। अब जब शरीर छोड़ा तो कई ऐसी आत्माएं, पहले बॉम्बे में एक लड़का निकला, मेरे अंदर बाबा आ रहा है, मेरे अंदर बाबा आ रहा है, उसने हमारी कई बहनों को, कई सेंटर्स को बर्बाद कर दिया। पहचानने की शक्ति नहीं, बाबा ऐसे कैसे आएगा किसी में, बाबा का स्थान अपना है, मधुबन अपना है, मधुबन का इतना बड़ा विस्तार किया है, बाबा की शक्तियाँ हैं, सकाश है, बच्चे जो आते हैं उनको बाबा अभी भी अनुभव करा रहा है, लेकिन उस एक आत्मा ने कितने सारे सेंटर्स बर्बाद किए। इतना बहने निश्चय से, मुझे तो संपूर्ण निश्चय बाबा ही आता है, थोड़े दिन के बाद सेंटर से गए, क्लास छूटा, बाबा का हाथ साथ छूटा, और शायद 1 साल भी वो मुश्किल पाठ चला, सब के सब टूट गए, कहाँ चले गए, किधर गए पता नहीं, कोई ने शादी कर ली, कोई शरीर छोड़ गए, कोई ने सुसाइड कर लिया, कोई घर में बैठे, जो गए वो गए। अब उसके साथ एक बेबी निकली, मधुबन में ईशान ज्ञान सरोवर में सेवा में आई थी, अब वो भी बाबा मेले में आ रहे, बाबा मेले में आ रहे, ना सोना ना उठना, कोई भी टाइम टेबल नहीं, कोई दिनचर्या नहीं, एक भाई के साथ उठना बैठना घूमना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे जब पता चला, बड़ों ने उसको कहा कि तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो, तो भाई दो तैयार हुए और उसको लेकर के रायपुर चले गए उस लड़के को, और वहाँ पर ले जा करके उसको देवकी बना दिया और उसको अपना एक संस्था रजिस्टर्ड करा दिया। पढ़े लिखे लड़के थे और वहाँ पर उन्होंने एक ऐसा ओम मंडली के नाम से
एक जैसे सत्संग शुरू कर दिया। अब कई बाबा के बच्चों को भटकाने के लिए कोई सोर्स की प्रवेशता भी होती है, क्या होता है वो मैं नहीं जानता, मैं उसमें जाता भी नहीं हूँ। लेकिन भगवान जो इतनी परम शक्ति है, जो परम पवित्र है, जब अपने मधुबन घर में नहीं आया, मधुबन के घर में कहा कि बच्चे आपको अव्यक्त स्थिति द्वारा अनुभव करना है, तो अलग अलग स्थानों पर कहाँ से बाबा आ गए। लेकिन कई आत्माएं भटक गई, और भटक करके बड़े बड़े बुद्धिमान कहते क्या कहते हैं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं 2 बजे योग करने वाला हूँ, मैं मुरली सुनने वाला हूँ रेगुलर, मुझे क्या आँख नहीं है, मुझे नहीं परख है, मैं परख करके कहता हूँ बाबा है। लेकिन बाबा कभी भी इस रूप में पाठ नहीं बजाता और न बजाएगा। ये बहुत बड़ी अंधश्रद्धा है, और एक न एक दिन कुछ समय के बाद पता चलेगा कि हम भटक गए हैं। और इसके 3 कारण मैंने उस क्लास में बताए हैं। एक होता है व्यक्ति की कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं, जैसे डिपार्टमेंट में कोई सेवा करने वाले होते हैं, एक का नाम ज़्यादा होता है, एक दूसरे को महत्व नहीं देता है, वो आगे जाना चाहता है, वो बढ़ना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, और वहाँ उसको चांस नहीं मिलता है, और वो महत्वाकांक्षा कहीं दूसरी जगह पूरी हो रही है, तो वो स्थान पर जा करके कोई ना कोई कारण से वहाँ टिकता है। एक महत्वाकांक्षा इंसान की इच्छाएँ अपेक्षाएँ। दूसरा अचानक ग्रहचारी आती है, कोई ना कोई बातों के कारण, संगठन में न चल सकने के कारण, आपस के मनमुटाव के कारण ग्रहचारी बैठती है, और उस ग्रहचारी के कारण आत्मा का 3रा नेत्र बंद हो जाता है, और वो जहाँ जाता है वहाँ सोचता है यही सब ठीक है। और ऐसे बाबा ने कहा, बाबा के मुरलियों के कोटेशन, बाबा की बातें सुना सुना करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जब आपके पास बाबा आ रहा है तो वो मुरलियाँ प्रिंट करो, मैं तो ये कहता हूँ, जब आपके पास ही आ रहा है तो वो मुरलियाँ प्रिंट करो, और जैसे बाबा ने दादियों ने इतना विस्तार किया, ऐसे आप भी वहाँ करके दिखाओ, खुद करो ना। हमारे बाबा के बच्चों को फोड़ना है, उनको कह रहे हैं यहाँ बाबा मिलन हो रहा है, शराबी कबाबी पतित लोग जा करके बाबा मिलन मनाते हैं, जबकि बाबा के पास आने वालों के लिए 12 मास का पक्का नियम है, जो पवित्रता की धारणा करेगा, शुद्ध धन खाएगा, सही संग करेगा, उसको ही बाबा से मिलना है, और वहाँ लाइन लगी हुई मिलने वालों। ऐसे एक अंधश्रद्धा की भावनाएं पैदा करना, बच्चों को गुमराह करना, निश्चय बुद्धि बच्चों को भी संशय में ले आना, और किस विधि से क्या कर रहे हैं वो जाने, आप लोगों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बाबा आपका मधुबन है, आपका बाबा आपका है, बाबा आपके साथ है, और अधिकतर जो बहुत अच्छी लाइन बुद्धि क्लीन है, क्लियर है, उनको बाबा जहाँ है उनको अनुभव होता है, उनके साथ का अनुभव होता है, कंबाइंड है वो अनुभव होता है। फिर हम इधर उधर क्यों भटक रहे हैं, यहाँ बाबा है वहाँ बाबा है, बाबा इतना सस्ता हो गया क्या? इसलिए इस पर थोड़ा विचार करना, और कहीं भी भटकने कोई भी चला जाए, ये पतझड़ का समय है, कोई भी झड़ जाएगा, जरा भी अगर हिला तो गया। इसलिए कभी भी किसी के प्रभाव में नहीं आना, चाहे जो भी हो, जितना बड़ा महारथी हो, बाबा की एक ही श्रीमत मिली है, सी फादर फॉलो फादर, किसी देदारी को मुझे नहीं देखना। अरे इतना बड़ा था, इतना बड़ा डॉक्टर था, वो चला गया, वो कह रहा है राइट है, आप देखने आओ, मुझे तेरी बात नहीं देखनी, मुझे जो मिला है सब कुछ मिला है। बाबा पढ़ा रहा है, हम कहते हैं 48 साल की पढ़ाई को जीवन में लेके दिखाओ। बाबा ने जो लक्ष्य दिया है कि बच्चे ऐसा समय आएगा जो आप बच्चों के द्वारा बाबा दिखाई देगा, जो आने वाली आत्माएं हैं, बाबा एक एक को लाखों को बैठ के दृष्टि देगा क्या? अब वो कोटेशन देने के बाबा को ने कहा था मैं तो लाखों को दृष्टि दूंगा, लेकिन अकेले बाबा लाखों को दृष्टि दे सकता है क्या? साकार में भी नहीं दे सकता। अपने बच्चों के द्वारा, बच्चों की स्थिति के द्वारा बाबा के दर्शन होंगे। जो बच्चों ने ऐसी श्रेष्ठ स्थितियां बनाई हैं, बाबा कहते हैं जो तुमने पालना ली है उस पालना का तुम रिटर्न करो। अब रिटर्न करने का समय है, और रिटर्न करने के समय हम भी चाहें अभी भी हमें पालना मिले, हमारे सिर पर बाबा हाथ रख दे, आशीर्वाद दे दे, अभी भी चाहें ना। अब बच्चे आपके बड़े हो जाते हैं, कमाने लायक हो जाते हैं, लायक हो जाते हैं, तो क्या माँ बाप चाहते हैं उससे? यदि अपने कुल का नाम रोशन करें, ऐसे थोड़ी सदा उसके ऊपर हाथ ही रखते रहेंगे। तो आजकल न समझने के कारण इंसान अपने अपने ढंग से चल रहे हैं। आप सब निश्चिंत रहो, YouTube ज़्यादा नहीं देखने का अभ्यास करो, नहीं तो कहीं ना कहीं माया खींच के ले जाएगी, इसलिए बच के रहना।
बहुत बड़ा खेल चला, अंतिम वार है माया का, और ईश्वर के रूप में ही माया आती है अंत में, और कोई रूप में नहीं आती, ईश्वर बन के ही आएगी। इसलिए उस रूप को पहचानो और अपने आप को निश्चित करो। ठीक है, ओके, ओम शांति।